एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एरिका। सो गाइस, हम कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 12, हाउ हैवी एंड हाउ लाइट। आज उसका पार्ट 3 करेंगे। इसके आज नेक्स्ट 2 पेजेस, पेज नंबर 138 एंड 139 कवर करेंगे। आप जितने बाकी के पार्ट्स हैं, आपको उन सब के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट है सिर्फ चैप्टर 12 की, हर चैप्टर की इसी तरह से प्लेलिस्ट बनी हुई है यहाँ पे, तो आप चेक कर सकते हो। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओपन योर बुक्स विद पेज नंबर 138 एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल। तो देखो, हमने देखा कि कैसे हम चीज़ों को हैवी एंड लाइट में डिफर कर सकते हैं। स्पेस को पहले थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है ग्राम एंड किलोग्राम्स। कल हमने देखा था कि 1 kg मतलब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000। कल ये एक्टिविटी की थी हमने, ठीक है। ग्राम, किलोग्राम क्या होता है, हैवी, बट जो ग्राम होता है वो क्या होता है हमारा, थोड़ा लाइट होता है, हल्का होता है। अब आपको कोई भी ऐसे 5 इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं जो ग्राम्स में मेजर करते हैं एंड किलोग्राम में। देखो, किलोग्राम में हम क्या मेजर करेंगे, जो हैवी होता है, जैसे हमारी शुगर, शुगर हम किस में लेके आते हैं, किलोग्राम में लेके आते हैं। वीट, वीट भी देखो हम केजीज में लेके आते हैं, है ना। बट ग्राम में क्या लिखोगे, जो हल्का होता है, जैसे आपको कोई पाउडर हो गया, आप जैसे हल्दी लेके आए, टर्मरिक पाउडर लेके आए, है ना, आप सोल्ट लेके आए, सोल्ट ग्राम में आ सकता है, या पीनट्स लेके आए वो ग्राम में आ सकते हैं। तो बस आपको इसको ऐसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो ग्राम में देखो हम लिख सकते हैं टर्मरिक पाउडर, जो आपका हल्दी का पाउडर होता है, मस्टर्ड सीड्स, चिली पाउडर, चिली पाउडर हम ग्राम में लेके आते हैं भैया से, कैरिनम, क्लोव्स, और किलोग्राम में थोड़ा हैवी, जैसे आपकी जितनी भी वेजिटेबल्स हैं हम केजी में खरीदते हैं, 1 kg टोमेटो, 2 kg पोटैटो हो गया, शुगर, वीट, बनानास एंड राइस। इट मीन्स जो ज़्यादा हैवी होती हैं वो हम लेते हैं किलोग्राम्स में, एंड थोड़ा सा लाइट होता है वो हम लेते हैं ग्राम में। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है विच इज़ हैवी। तो यहाँ पे एक जो हल्की सी आपको कॉमिक बुक के हिसाब से दिखाई है, इसको रीड करते हैं, बहुत अच्छी स्टोरी है। विच इज़ हैवी, 1 kg कॉटन और 1 kg आयरन। तो देखो, दोनों 1 kg हैं, जो कॉटन है वो भी 1 kg है एंड जो आयरन है वो भी 1 kg है। तो वो पूछ रहे हैं कौन सी ज़्यादा हैवी है। सर, शी थ्रू अ हैवी वाटरमेलन एट मी। तो देखो वो शिकायत कर रहे थे, उसने ना बहुत भारी वाटरमेलन मेरे सिर पे गिर दिया। तो गर्ल कहती, ही थ्रू 1 kg पिलो ऑफ कॉटन, सो आई थ्रू 1 kg वाटरमेलन। तो गर्ल कहती, उसने ना मेरे सिर पे 1 kg का पिल्लो गिर दिया जिसमें 1 kg कॉटन थी, जैसे यहाँ पे पिक्चर दिखाई गई है पिल्लो की, ठीक है। एंड वो कहती, मैंने 1 kg का वाटरमेलन फेंक दिया उसके सिर पे। Yesterday you said that 1 kg cotton and 1 kg melon is equal. तो वो कहती, जैसे जितने के जी का उतने किसने घेरा, उतने के जी का ही मैंने घेरा। इट मीन्स जो हमारी 1 kg है वो 1 kg के इक्वल ही होगी, चाहे वो कोई भी आइटम। 1 kg cotton, 1 kg आयरन के इक्वल होगी। 1 kg पिल्लो जो कॉटन से भरा हुआ है वो 1 kg वाटरमेलन के इक्वल होगा। बस इस कॉमिक से आपको ये बताया गया था कि जो 1 kg है वो इक्वल होता है। जैसे देखो, इस पिक्चर में इस साइड पे 1 kg कॉटन ली गई है एंड इस साइड पे 1 kg आयरन ली गई है, तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। देखो, बैलेंस्ड है ना, कोई भी साइड डाउन नहीं है। अगर ज़्यादा होती तो वो साइड डाउन हो जाती थी, तो बैलेंस्ड है। इट मीन्स वी कैन से दैट आवर 1 kg कॉटन इज इक्वल टू 1 kg ऑफ आयरन। समझ आया। नेक्स्ट पेज पे चले। इस पेज पे छोटी सी कॉमिक थी आपको। नेक्स्ट इसको थोड़ा जूम करते हैं पेज को, पेज नंबर 139, डैंजन्स वेट शॉपिंग। तो ये एक बच्चा है जो शॉपिंग पे जाता है, ये उसकी शॉपिंग लिस्ट है, उसने क्या क्या आइटम खरीदी और ये वेट है। आपको क्या करना है, गैस करना है कि कौन सा वेट ग्राम में है एंड कौन सा किलोग्राम में है। तो देखो, अभी बताया केजी वाला क्या होगा, जो ज़्यादा हैवी होगा, ग्राम वाला क्या होगा, जो थोड़ा लाइट होगा। तो देखो, वो राइस लेके आया, तो इट मीन्स ये किस में होगा हमारा, केजी में। शुगर, शुगर भी केजी में लेके आया होगा, शुगर तो ग्राम में नहीं लेके आया होगा ना, क्योंकि शुगर थोड़ी हैवी होती है। अब मस्टर्ड सीड्स, सीड्स हम ग्राम में लेके आते हैं। वीट, वीट भी क्या होगा, 3 kg। दाल, दाल देखो 500 kg नहीं हो सकती, इतनी सारी दाल क्या करेंगे हम, तो ये 500 ग्राम है, ठीक है। तो बस आपको ऐसे डिफ्रेंशिएट करना है, टी, टी के ग्राम में होगी, 250 जो आपकी चाय पत्ती होती है, पेपर, पेपर भी हमारा ग्राम में होगा। तो ये सिंपल सी एक्टिविटी थी जिसमें आपको केजी एंड ग्राम में डिफ्रेंशिएट करना था। नेक्स्ट वन एंड लास्ट टॉपिक आज की क्लास का, कार एंड ट्रैक्टर। रितु इज वेटिंग हर टॉयज, शी वॉन्ट्स टू नो इफ ट्रैक्टर इज हैवियर देन हर कार। तो वो क्या कर रही है, एक बैलेंस पे, एक साइड पे उसने कार रखी एंड एक साइड पे उसने अपना
ट्रैक्टर रखा, तो वो देख रही है कौन सा ज़्यादा हैवी है। तो देखो हमें पिक्चर देख के पता लग रहा है कि जो ट्रैक्टर वाला साइड है वो नीचे जा रहा है, डाउन जा रहा है, इट मीन्स ट्रैक्टर इज हैवी देन कार। हाउ वुड यू हेल्प हर टू फाइंड आउट क्विकली? इफ आई पुट टू कार्स विल द ट्रैक्टर विल बी हैवियर? तो वो पूछ रही है। तो देखो सबसे पहली बात तो जो ट्रैक्टर होता है वो कार से भारी होता है। बाकी जो रितु है वो बैलेंस पे रख के देख रही है, उसका ट्रैक्टर वाला साइड नीचे जा रहा है, इट मीन्स हम सिंपली लिख सकते हैं कि जो ट्रैक्टर है वो हैवी है। ठीक है, आगे आपको गेस करना है कि एक कार, एक बस और ट्रैक्टर में कौन हैवी होता है। तो देखो सबसे हैवी होती है हमारी बस। बस कितनी बड़ी होती है, देखो उसमें कितने सारे पैसेंजर्स बैठ जाते हैं, है ना, ऐसे होती है ना आपकी बस लाइक दिस। उसके बाद आता है आपका ट्रैक्टर, सेकेंड नंबर पर कौन हैवी होता है? ट्रैक्टर। एंड द लास्ट वन पे कौन होती है? हमारी कार। इट मीन्स बस सबसे ज़्यादा हैवी है, ट्रैक्टर इन दोनों के बीच में आएगा एंड कार इन दोनों से थोड़ी हल्की है, वेट में कम है। समझ आया? सिंपल सा क्वेश्चन था। अब वो पूछ रहे हैं कि आपने इसके अलावा और क्या हैवी चीज़ देखी है। तो जो देखो हमारी ट्रेन होती है, एक ट्रेन जो हमारी रेल ट्रेन होती है, रेल ट्रेन का जो इंजन होता है वो बहुत हैवी होता है, आपने देखा होगा, है ना। सो हम क्या लिखेंगे? द हैवीएस्ट थिंग आई हैव सीन इज रेल इंजन। अगर आपने इससे भी हैवी कोई चीज़ देखी है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो, मैंने रेल इंजन ही देखा है इससे हैवी जो व्हीकल है, ठीक है, वो मेंशन किया है। सिंपल सा क्वेश्चन था, पहले कार और ट्रैक्टर में बताना था कौन हैवी है, हमने लिख दिया ट्रैक्टर हैवी है। फिर कार, बस एंड ट्रैक्टर में बताना था, हमने लिख दिया कि बस हैवी है। बस फिर लास्ट में बताना था कि आपने सबसे हैवी चीज़ कौन सी देखी है। सो आज की क्लास बस इतनी सी ही थी, बहुत छोटे छोटे टॉपिक थे। कल हम करेंगे इसके नेक्स्ट 3 पेजेस, पेज नंबर 140, 141 and 142। आज की क्लास में कोई डाउट हुआ यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय।